एक चीज का स्थान नहीं है, शर्माना नहीं है, शर्माने के लिए दूसरा जगह जाता है। सीडी कभी हाथ में लिए हो, उसमें कितना डाटा अट सकता है? साधारण हिंदी की भाषा में बात कर रहा हूं, इंग्लिश में पूछूं व्हाट इज द वॉल्यूम साइज ऑफ ए सीडी, क्या जवाब देंगे? सीडी का भी दाम 10 रुपया है, डीवीडी का भी दाम 10 रुपया है, व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम? वॉल्यूम समझ में आता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं आप लोग, बीकर में कितना डालेंगे कितना नहीं डालेंगे, बात सही है? MLCM, ये सब कंसेप्ट हमारे पास है कि 500 ml है मतलब इतना एक गिलास में भर जाएगा, इस गिलास में नहीं आएगा, ठीक है? तो मेरे पास जो डेटा है वो इस सीडी या डीवीडी में आएगा या नहीं आएगा, यही है डेटा मेजरमेंट। 1 मीटर हमारे शर्ट के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, तो 2.5 मीटर समझ में आता है ना कितना लंबाई होगा? लेकिन जब भी आप शर्ट या कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कभी भी आपको चौड़ाई नहीं बताता। साड़ी की लंबाई नापी जा सकती है, चौड़ाई नहीं पता होती है, चौड़ाई स्टैंडर्ड होती है, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो जो लेंथ और ब्रेथ आप मैथमेटिक्स में पढ़े थे वो केवल पढ़ लिए हैं, जिंदगी में यूज करने नहीं आता, सॉरी टू से, हाँ या ना? क्यों नहीं आपको नापा जाता है? आप क्यों नहीं बोलते हैं कि एक साड़ी 5 से 5.5 मीटर लंबी होनी चाहिए, तो वह साड़ी या वह कॉटन का कपड़ा या जो भी है वह लगभग 1.5 मीटर चौड़ा भी होना चाहिए। साड़ी मान लो कि हमको 8 इंच चौड़ा दे दिया, 9 मीटर लंबा दे दिया, पहन लोगे? चलेगा? इसी को कहते हैं मेजरमेंट। और अगर आप मेजर नहीं करना जानते तो ना आप चल सकते हैं, ना चांद के बारे में पढ़ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर याद है, बड़ी अच्छी बात, वेरी नाइस, बोर्ड में 98% नंबर है, बहुत अच्छा है, लेकिन समझ में नहीं आता, हम उसको समझा नहीं सकते। सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द डेटा मेजरमेंट, ओके? कोई दिक्कत है? अरे सीट पे बच्चे, सवाल नोट कर लिए हैं? जवाब दिया जाए? मैं इसको इरेज कर रहा हूं चूंकि मुझे टेबल बनाना है। छोटे से शुरू कर रहा हूं, छोटे से, एक वर्ड की फाइल है या PDF की फाइल है 18 KB, इससे भी ऊपर 718 बाइट की एक फाइल है, ये नहीं पकड़िए।